तो रोड़ा रोड़ा के बारे तो रोड जा क्या हाल रोड़े बुरे हाल था सारे स्लाइडिंग बढ़ गया जी मतलब बोली गोर नहीं चल सकता गड्डी को चल रही बुरा हाल ठगे चले जाते काली लिया परसों लिया बना लिया कई साल बनता बनता है नहीं कुछ भी बड़ा स्यापा है सारे तेज सन बिंदा बड़ी अच्छा मिले साहब इंजे बनी गए बड़ी अच्छी गल जा गंढी है ना फिर इंजे कम कुम बनना अच्छा कम फिर ताई फायदा तो चल ये बना दे खुश है सू मुने मुने कुछ बोर्ड बड़ा कोई देने को जो मिले जो सब इसी बना चाहते बड़ी अच्छी गल खुश रे गल जो क्या ग्रां था विधायक चुने न बड़ी खुश रे गल अस काफी सारे बे मते सारे एमएलए रे कुनिया ने रू ठगे गंदे बे अस कल ले परस ले साल ले दा 6 महीने अस जो रोड बनाई दिया एक आदमी ना करेरी तो सड़क बजाए देनी फला कुछ नहीं है चार ए आए ने एमएलए साहब इन जगह दे दे कर ले ताकि दो बार और सही है कोई नहीं इन होना करंदे है बनान तक अच्छी गल है ए भी अगुआ जैसे फिर मौका दियो ते सब ठगे के चले अंदर मैट बंदे बुला कने पूरी धार कंडिए मेरा ये निवेदन है कि सबसे समर्थन करा का साथ दे हर एक वोट कीमत इस टाइम बड़े बड़े नेता है बनाए हड्डे हल्के ने बुंदे तां रहे नेता बनो करनो कने कई तमासे रहे बने गए साल एक बार ही वोट लेगा नहीं है उसके बाद फिर सकल दस दे सकल दसने बया या तो मरनी होते या तो कसकी मेल ले होते तो तिथि वास्ते नेता है ने बनाने दूरे ये बना ली रहा है हिंदी दाई जाच ने क्या प्रॉब्लम है सबू करन दी कई बार स्लाइडिंग इन दे दार नाल गन्नो है दंद दुंद रुक रहे ना सो कोला कोई सुद्दा कोई कुछ नहीं अब हमारा युवा एक नेता तैयार है हमारे पास और सभी युवाओं से एक यूथ क्लब का प्रेजेंट होने के नाते भी मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि आप हमारे इस युवा नेता का साथ दें जो भी हमारी धारकंडी है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है किसी भी समुदाय का हो किसी भी कास्ट का हो किसी भी उससे किसी भी मतलब समुदाय से संबंध रखता हो सबसे यही निवेदन करूंगा खासकर युवाओं से आगे बढ़ें शाहपुर को बदलना है तो हमें खुद सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा आज हम सब उन पुराने कैंडिडेट को छोड़ करके नया कैंडिडेट लाएंगे हमारी सोच बदलेगी और वो तभी हम अपना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को बदल सकते हैं यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की भी है यहाँ की जनता पानी के लिए तरसती रहती है नीचे देखो तो यहाँ से पानी कितना पानी वगैरह लेके बांध के चले जा रहे हैं तो यहाँ पे जब भी इलेक्शन वगैरह आते हैं तो यहाँ चले जाते हैं ये हाथ जोड़ कर आना है जिनको नहीं पहचानते उनको भी पहचानने लगते हैं उनके चरण छूने हैं उनको नमस्ते करना है और उनके मतलब बड़ी बड़ी अच्छी बातें करनी है जब उनको यहाँ से जिता के भेजते हैं तो उसके बाद जब हम उनके पास जाएंगे तो वो पहचानने से भी इनकार कर देंगे कि भाई आप कौन हो कहाँ से हो पूरे धारकंडी सी से एक बार फिर से अनुरोध करूँगा कि रमेश जी का साथ दें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें हाय दोस्तों नमस्कार मैं डीप हिल्स मीडिया से शिल्पी ठाकुर आज हम आपको मिलवाते हैं श्री रामेश कुमार गौतम जी से जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं पहले स्वागत कर रहे हैं ना सबसे पहले तो मैं श्री रामेश कुमार गौतम जी का डीप हिल्स मीडिया में स्वागत करती हूँ सर क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी कौन से ऐसी मतलब विचारधारा आपके मन में उभरी जिसके कारण आपने राजनीति में भाग लेने का सोचा और क्या बोलते एक उम्मीदवार में खड़े हुए हैं हमें बताना प्लीज़ सर नमस्कार मैं रमेश गौतम मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो पब्लिक है उनके साथ हर बार इलेक्शन के टाइम में शोषण होता है एक वोट के नाम से शोषण होता है जात पात के नाम से शोषण किया जाता है और हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें हम एक खुद जात पात के शिकार होते हैं हर बार हुए हैं और होते हैं हर बार कोई ना कोई बात होता है आपके पास पानी से लेकर मतलब सड़क तक आपका मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई बात करते हैं वो लोग लेकिन हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती और मैं एक करेरी पंचायत का छोटा सा गाँव से निवासी रमेश कुमार गौतम मैं खुद वहाँ का हूँ जहाँ तक आज तक ना कोई रोड की सुविधा है ना कोई स्वास्थ्य की ना ही कोई शिक्षा की हमारे बच्चे आज की एक डिजिटल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल जिसको डिजिटल इंडिया कह रहे हैं वो आज की डेट में और आज हमारे बच्चे आज तक भी सरकारी स्कूल प्राइमरी तक ही सीमित हैं वो हाई स्कूल में नहीं पहुंच पाते गवर्नमेंट के स्कूल में क्योंकि स्कूलों की रेंज काफ़ी घर मतलब विलेज से दूर है और आजकल बच्चे कुछ मतलब आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं हमें सरकारी स्कूल तक भी नहीं मतलब पहुँच पाते हमारे बच्चे ना हमें कोई ऐसे स्वास्थ्य की सेवा मिल पाती है ना ही कोई पुलिस की ऐसी सेवा मिल पाती है हमें ना हमें बिल्कुल ऐसा इग्नोर किया हुआ है धारकंडी वालों को कि कभी मतलब जैसे कि उस साइड कोई जनता ही नहीं है सिर्फ वोटों के टाइम में हमारा शोषण किया जाता है और धारकंडी को ले लो चंगर को भी ले लो आप अपना निचला का इलाका ले लो जैसे हारचकिया हो गया लंच हो गया अपना मनी हो गया
प्रगोड़ हो गया, लपियाना हो गया, यहाँ भी देखो पानी की समस्या। अगर आप एक बार, मैं मीडिया का धन्यवाद करूँगा जो मीडिया हमारे साथ इस प्रकार से इस लायक हमें समझा और हमें मीडिया ने अपने सामने लाने की कोशिश की जनता के सामने। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पानी से सड़क से लेकर हर चीज़ की वही दिक्कतें हैं, शिक्षा की वही दिक्कतें हैं। तो सर क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस मतलब उद्देश्य से के बोलते राजनीति में आए हो, आप जनता के विकास के लिए क्या क्या मतलब आपके विचार हैं, क्या आप मतलब उनको सुविधाएं प्रबंध करवाएंगे, बताएंगे प्लीज सर हमें। बिल्कुल मैडम, मैं किसी भी पार्टी की कोई भी वैसी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ ये कमियाँ हमारे डिपार्टमेंट में हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को ले लो, चाहे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को ले लो, इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट को ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, हम उन्हीं डिपार्टमेंटों को ये बोल रहे हैं चलो एक विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट वो तो परमानेंट होते हैं। उन्होंने भी हमें कभी भी अपने मतलब कभी भी उन्होंने भी हमें इग्नोर ही किया, उन्होंने भी कभी ये नहीं समझा कि वहाँ कोई जनता रह रही है। आज देखो 1992 से हमारा रोड गवर्नमेंट की पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पक्का है, लेकिन वहाँ आज तक 1 इंच भी लूक नहीं डली हुई है और वो रोड सिर्फ 9 किलोमीटर दूर का है। और हमारे उसी रोड में हमारे घर में एक हादसा हुआ था कैंटनाड़ा में, जो सबको पता है, मीडिया को भी पता होगा और मैं पूरे शाहपुर से लेके पर हमारे हिमाचल में लगभग पता ही होगा सबको, जो हमारे मेरे चाचा जी लगते जिनकी डेथ हुई थी कैंटनाड़ा में, आज तक वहाँ एक पुल नहीं डाल पाए वो। और 5-5, 6-6 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट का आता है, डिपार्टमेंट के पास होता है, अफसरों के पास होता है, लेकिन वो क्यों नहीं लगाते, किस वजह से नहीं लगाते। और इन्हीं समस्याओं से हम खुद ये फैसला लिया हुआ कि हम खुद लड़ेंगे ये इलेक्शन। आप हमें बताएंगे कि आपके क्या मतलब आपने कौन कौन से विचार ऐसे आपके मन में आ रखे हैं कि जिसको आपके बोलते जनता को सुविधाएं देंगे, जब अगर आप इलेक्शन जीत गए तो उनके लिए मतलब क्या आपने सोच के रखा होगा कि जिस वजह से आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा हमारे से, हमारे बिल्कुल विचार ऐसे हैं क्योंकि हम हर बार खुद शिकार हुए हैं हर चीज़ से, हम अनजान हैं, हम एक छोटी सी फैमिली से खुद बिलोंग करते हैं। और हमें हमारे शाहपुर क्षेत्र में देखो आप सड़कों की जो हालतें हैं, हम तक तो सड़कें भी नहीं पहुंची अभी तक, हमारी खुद की एक आयु 30 वर्ष हो चुकी है और 30 वर्ष में हम तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। पहली बात तो सड़कों की, हमें धारकंडी में जितने भी हमारे जैसे इलाके हैं चानमारी से लेके हमारे चानमारी बताल और जो अपना ये अपना करेरी हो गया, करेरी के बाद अपना वो सुकूघाट पलून हो गया, कुठारना पंचायत हो गई अपनी, तो ये वो लाम तक हम जो है रोड को तो हम जरूर पहले सबसे पहले उन तक रोड पहुंचाएंगे। और जो हमारे निचले क्षेत्र के जो हमारे भाई बहन हैं, जो माता पिता हैं, हम उनके लिए जल का सबसे पहले हम जल प्रबंध करेंगे, वो उनके लिए पानी तो बहुत ही जरूरी, उन्हें पानी पहुंचाएंगे। हमारे ये दो तो बिल्कुल एम है। और धारकंडी और हमारे इस निचले क्षेत्र में स्वास्थ्य की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इन दो क्षेत्रों में एक अच्छा सा कोई हॉस्पिटल होने चाहिए जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। सर बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं आपके? बेरोजगारी ये शुरू से ही हमारे क्षेत्र में रही है, आज भी मतलब आज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है बेरोजगारी। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया मैडम, और मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी तभी ख़त्म हो सकती है कि जो हमारे युवा भाई और युवा बहनें जो मतलब इस टाइम युवा भाई और युवा बहनें जो हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने कोई कंप्यूटर कोर्स करके रखा हुआ, जिन्होंने मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्ट मतलब और अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन करके घर में बैठे हुए हैं, हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। तो हम इसके लिए ये तो एकदम तो ख़त्म नहीं कर सकते, जो 50 साल से एकदम बेरोजगारी पड़ी हुई है इसको 5 साल में ख़त्म नहीं कर सकते, ये सभी जानते हैं, भाई बहन सब जानते हैं। तो हम उनसे यही मन करेंगे कि वो हमसे आके जुड़े और हम सब मिलकर इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अपने युवा भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि मुझसे आकर संपर्क करें और जुड़ें, हम मिलकर जो ये बेरोजगारी का जो हमारा बेरोजगारी का काफ़ी हमारे वक्त से हमारे साथ जुड़ी हुई है बेरोजगारी, इसको ख़त्म करने के लिए आप सब मुझसे जुड़ें। और जो अच्छी क्वालिफिकेशन कर घर में बैठे हैं, हम सब मिलकर कोई पैसे की वजह से कोई पैसे की वजह से रुका हुआ है, जिसको जॉब मिलती है लेकिन वो पैसे की फीस नहीं दे पाते हैं, और हमारे अच्छे अच्छे गाँव में जाकर छुपी हुई हैं वो शिक्षाएं जो उन्होंने की हुई हैं क्वालिफिकेशन, तो हम उन्हें ढूंढें और उन्हें उनकी पहचान दें। आप हमें एजुकेशन के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, एजुकेशन का ऐसा है कि हमारे यहाँ स्कूल काफ़ी रेंज मतलब काफ़ी वॉक डिस्टेंस में है, सड़क से 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो उधर क्या कि टीचर कोई मतलब हमारा देख लीजिए, कोई पालमपुर का टीचर लगा दिया उन्होंने, कोई गग्गल से लगा दिया, कोई कांगड़ा से लगा दिया, जिनको डेली अप डाउन करना पड़ता है और टाइमली वो न पहुंच पाते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या ये वाली भी। और दूसरी बात ये कि जहाँ 250 बच्चा होता है वहाँ 3-3 टीचर होते हैं,
जैसे हमारे सुक्कूगढ़ में आज भी जाओ आप सुक्कूगढ़ स्कूल में, 10वीं तक स्कूल है और वहाँ सिर्फ क्या है कि 3 टीचर हैं और इस टाइम बच्चों को भरपूर शिक्षा नहीं मिल पाती जिस तरह की शिक्षा चाहिए होती है। शिक्षा में बहुत कमजोर है हमारा क्षेत्र, इसमें तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं रमेश गौतम सभी भाई बहन और अपने माता पिता बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं पहली बार ऐसा एक शिकार हुआ हूँ, हर बार राजनीति का और हमारे क्षेत्र के विकास का शिकार हुआ हूँ। मैं इस वजह से विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप से खड़ा हुआ हूँ और मैं सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ कि सब मुझे आकर मुझे अपना सहयोग दें और अपने एक अच्छे रूप में लाएँ और हम सब मिलकर विकास से लेकर शिक्षा से लेकर जितनी भी हमारी समस्याएं हैं जल से लेके बिजली तक जो भी समस्या हम मिलकर इनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं और सब आके मुझसे भाई बहन मिलेंगे।